की गिरफ्तारी के बाद जब कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर निकाली सीएम की शव यात्रा। पटना में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा, दो दिन में पप्पू यादव को करे रिहा, नहीं तो अनशन पर बैठकर करूंगी विरोध। बिहार में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने लॉकडाउन पर दिया जोर। डॉक्टर रामसागर सिंह ने लॉकडाउन की अवधि को बताया हितकारी, कहा संक्रमण दर घटा, रिकवरी रेट बढ़ा। और शेखपुरा में किया गया लॉकडाउन का उल्लंघन, दुकानदारों पर गिरी जिला प्रशासन की गाज। कटरा बाजार में ज्वेलरी दुकान को किया गया सील। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। खबर बिहार से है जहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी बिहार वासियों से लॉकडाउन के समर्थन में अपील करते हुए घरों में रहने और लॉकडाउन का पालन करने की गुजारिश की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए मंगल पांडेय ने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार बिहार में 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है। कोरोना के बचाव हेतु लॉकडाउन का परिणाम कारगर साबित हुआ है। सभी राज्यवासियों से अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पूरे तरीके से पालन करें। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पूरे बिहार में राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में पप्पू यादव की पत्नी ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इस पर चर्चा की। आपको बता दें कि पप्पू यादव को लॉकडाउन उल्लंघन मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद मधेपुरा पुलिस ने 32 साल पुराने मामले में भी उन्हें गिरफ्तार कर मधेपुरा ले गई। बिहार के तमाम पार्टियों के एमएलए एमपी, छोटे जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि, इवन जदयू के भी, भाजपा के भी, राजद के भी, सीपीआई सीपीएम के भी, तमाम लोगों ने, कांग्रेस के भी, तमाम कई मंत्रियों ने भी जो सपोर्ट किया पप्पू जी को, उसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, बहुत राजनीतिक लोग भी चाहते थे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी साथ आपके खड़े हों। मैं उन सबसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आज भी अभी तक राजनीति राजनीति खेलने का नहीं है। ये महामारी का वक्त है, इसलिए मैं उन सबसे माफी चाह रही हूँ। क्योंकि सत्ताधारियों को ऐसा कुछ भी मैं महसूस नहीं कराना चाहती जिसकी आड़ में वो लगे हुए हैं। ये महामारी का वक्त है, लोगों को बचाने का वक्त है, इसलिए मैं माफी चाहूंगी कि मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजनीतिक लोगों के साथ नहीं करना है। वहीं अब बिहार में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने भी राज्य में दस्तक दे दी है। राज्य में पहला ब्लैक फंगस का केस पटना के आईजीआईएमएस से सामने आया है, जहां मुजफ्फरपुर निवासी महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। इस मुद्दे पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मीडिया से बातचीत करते हुए ब्लैक फंगस समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत की, जहां उन्होंने विशेषज्ञों से स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही। इसके साथ ही वहीं अन्य मुद्दों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने संविदा कर्मियों के हड़ताल और कोविड वैक्सीन में पत्रकारों को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर भी अपनी बात सामने रखी। हाँ, डॉक्टर लोग ने ही ये बात बताई, डॉक्टरों के ही ध्यान में आया ये चीज। बीमारी की पता लगी है कोरोना के अंदर, और कोरोना के जो मरीज होते हैं उन्हीं में से 4-5 लोगों में ये देखने को आया है। तो उस संबंध में जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सारे विषयों पर नजर रखे हुए हैं, सारे विषयों की चर्चा कर रहे हैं, चूंकि ये एकेडमिक विषय भी है।
और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, कैसे होगा, वो कर भी रहे हैं। तो यानी तैयारी उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में बिहार में है सर? हाँ, डॉक्टर लोग ने ही ये बात बताई, डॉक्टरों के ही ध्यान में आया ये चीज, और डॉक्टर उस पर समुचित कार्रवाई कर रहे। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जाप कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। जाप कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध किया है। बेगूसराय में जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला का अंतिम संस्कार करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया, तो वहीं सीतामढ़ी में जाप कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार की शव यात्रा निकाली और उनका पुतला दहन किया। रैली में शामिल जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश महासचिव दिलीप राय ने इस कार्रवाई को बदले की जाने की भावना की बात कही है। आज हम लोग नीतीश जी का आरती कलश निकालकर दाह संस्कार किए हैं। जो पप्पू यादव जी कोरोना काल में इतना गरीबों का सेवा करते आए हैं, न जात न पात न धर्म कुछ नहीं देखा, अपने घर से वह बाल बच्चों को छोड़कर 1.5 महीना से लगातार वह गरीबों का सेवा कर रहे थे, उनका अपराध सिर्फ इतना ही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी का एम्बुलेंस का उजागर किया गया, सरकार के नाकामी का उजागर किया गया। तो वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के चाक गंगा घाट पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले का अंतिम संस्कार किया है। मौके पर इस दौरान मटिहानी प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को संवेदनहीन और गरीब विरोधी बताया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पप्पू यादव के मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द उन्हें रिहा करने की अपील की। मौके पर कई जॉब कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू जी की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीका से ने यह सुशासन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने जो घिनौना काम किए, यह घोर निंदा वाली बात है। आज पूरे बिहार में हमारे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष महोदय के दिशा अनुसार जो नीतीश कुमार के अर्थी जुलूस लेके गंगा घाट के किनारे में आज उनको अर्थी जुलूस का उसका पुतला का दहन किया गया, और साथ ही साथ यह बिहार सरकार की यह राजेश रंजन उस पप्पू यादव जी के फर्जी गिरफ्तारी किए, इसके विरोध में लगातार जन अधिकार पार्टी जहाँ तक उनको रिहा नहीं करेगी तब तक आंदोलन करते रहेंगे। वहीं आरजेडी नेता राकेश कुमार रोशन ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने वैक्सीन के मुद्दे को उठाया। विधायक ने केंद्र सरकार के राज्य सरकार को इच्छा अनुसार टीका के लिए ग्लोबल टेंडर करवाने वाली बात को लेकर केंद्र सरकार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ विधायक के अनुसार केंद्र सरकार वैक्सीनेशन से जिम्मेदारी का पीछा छुड़ाने के लिए नई नई तरकीब अपना रही है। करवा सकती है तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है और राज्यों पर लोगों को निर्भर कर देना चाहती है। कल ऐसा भी राज्य केंद्र सरकार फैसला कर दे सकती है कि जिसको जहां टीका लेना है वहां टीका ले सकता है, हमको कोई जरूरत नहीं है, आप अपना जो उनका एजेंडा है आत्मनिर्भर भारत का, आप अपने मन से आत्मनिर्भर बनिए, जहाँ टीका मिलता है वहाँ लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में यह सरकार जो केंद्र का है इनका हमेशा दोहरा चरित्र रहा।
वहीं बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शेखपुरा में लगाए गए लॉकडाउन बेअसर होता दिखाई दे रहा है। संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि के बावजूद लोग बेखौफ ढंग से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। इसी बीच कटरा बाजार में लोगों की लापरवाही देखने को मिली, जहां नियमों का अनुपालन करवाने के लिए एसडीओ सड़क पर उतरे। इस दौरान पदाधिकारी ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई की। वहीं शेखपुरा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों पर जिला प्रशासन की गाज गिरी है। लॉकडाउन में तय समय के बाहर दुकान बंद नहीं करने पर निरीक्षण के दौरान मौजूद पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए कटरा बाजार में एक ज्वेलरी दुकान को सील कर दिया है। दुकान के खोलने का ये नहीं था, सोना चांदी का दुकान है। कितने दुकानों को किया गया थे? अभी तो एक ही आगे फिल होगा, जो तो खुला रखेगा, नहीं खुला हुआ फिल होगा। वहीं लॉकडाउन का अनुपालन करवाने को लेकर मुंगेर में पुलिस की तत्परता आम जनता के साथ साथ इलाके में बालू माफियाओं के प्रति भी देखने को मिल रही है। एक और जहां जिले में तारापुर हरपुर थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष कमल किस्कू ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए रोको टोको अभियान चलाकर लोगों के मास्क की जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर खनन विभाग के पदाधिकारी निधि कुमारी ने तारापुर में बालू घाट पर छापेमारी कर अवैध तरीके और ओवरलोडिंग बालू से लदे वाहनों को जब्त किया है। वहीं बतिया में पुलिस का उदारवादी रूप देखने को मिला है। जिले के नरकटियागंज में एक ओर जहां पुलिस लोगों को लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करवाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर इस ड्यूटी में कार्यरत महिला दरोगा को लोगों की मदद करते दिखाई दी। महिला पुलिसकर्मी मरीजों को बाहर से जरूरत की सामान लेकर देना और अन्य सहायता कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस का यह चेहरा उनकी मानवीय रूप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहा है। वहीं बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अजीत शर्मा ने कोरोना संक्रमण के आगामी तीसरे फेज में बच्चों पर संक्रमण का खतरा होने की आशंका जताई है और संक्रमण के खतरे से बच्चों को उभार पाने के लिए विधायक ने टीकाकरण में तेजी लाने की भी मांग की। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्योंकि पूरे कांग्रेस विधानमंडल दल के सभी नेता, सभी विधायकगण, परिषदगण बहुत चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड 19 के सेकेंड फेज जो वेव के दौरान जो दुर्दशा इस राज्य की हुई, सबको पता है। सेकेंड वेव के लिए कोई प्रिवेंटिव कोई कदम नहीं सरकार के द्वारा उठाया गया है, इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। और सेकेंड वेव में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने यह तय किया, कांग्रेस विधानमंडल दल ने, तीसरे वेव के लिए चिंतित हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो कोविड 19 की आएगी उसमें सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे।
मोतिहारी में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में दो आवेदकों को एम्बुलेंस खरीद किए जाने पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे लेकर पहाड़पुर ब्लॉक के सभागार में बीडीओ आदित्य नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह भी मौजूद रहे और इसी के साथ सभी विकास मित्रों के साथ बैठक की गई, जहां बताया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग सर्वे करके जल्द से जल्द मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 2 लोगों का नाम अंकित कर ब्लॉक विकास पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। नया प्रावधान जोड़ा गया है, हर प्रखंड में 2 एम्बुलेंस का क्रय किया जाना है। 1 एम्बुलेंस अनुसूचित जाति या जनजाति के आवेदक के द्वारा किया जाएगा और दूसरा एम्बुलेंस का क्रय अत्यंत पिछड़े वर्ग के आवेदक के द्वारा किया जाएगा। आवेदन करने के लिए अंतिम समय सीमा 16 मई निर्धारित है, जिस 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना है। 1 एम्बुलेंस के क्रय के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान एक आवेदक। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश बीजेपी ने लॉकडाउन पर जोर देने की बात कही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना लोगों के हित में बताया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से न केवल संक्रमण का दर घटा है बल्कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ गया है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी ने कहा है कि 10% पॉजिटिविटी रेट से ऊपर में लॉकडाउन लगा रहना चाहिए, 5% होने पर ही लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहिए। अभी बिहार का पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास है, इसलिए और स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा में भी अधिकांश जिला के अधिकारियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का मंतव्य दिया है। और अब खबर मोतिहारी से है, जहां बढ़ते कोरोना को लेकर राज्य में मजदूरों की वापसी और उन्हें रोजगार से जोड़ने की कवायद में पूर्वी चंपारण जिला में प्रशासन की ओर से कई प्रखंडों और पंचायत के लिए मनरेगा रोजगार रथ रवाना किया गया। रथ को जिले के डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोजगार रथ के जरिए मजदूरों को पंजीकरण, यहां पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और जिसके तहत उन्हें रोजगार भी दिलाया जाएगा। ये मनरेगा रोजगार रथ है, उप विकास आयुक्त और इनकी ग्रामीण विकास विभाग की जो पूरी टीम है यहाँ पे पदाधिकारियों की, उनके द्वारा इस रथ को हर प्रखंड में निकाला गया है। अभी जो कोरोना महामारी है इस पे बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन गया है, जो अर्बन सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन शहर्स है, वहाँ से तो इन लोगों को अपने घर के बगल में ही जो है जल जीवन हरियाली हो या मनरेगा की अन्य योजनाएं हो, इसके तहत जो है जोड़ने का ये उपक्रम है, ताकि इनको रोजगार भी मिले, इनके आजीविका का साधन भी जो है मजबूत हो जाए। ये सिर्फ रोजगार से जुड़ा हुआ रथ नहीं है, तो इसके जो कार्य होने जा रहे हैं इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी जो है होगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के अन्य जो प्रचार प्रसार भी करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और पंचायती राज विभाग के द्वारा भी जो मास्क वितरण का काम जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। और अब खबर पटना से है, जहां कोरोना काल में सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए सरकार की ओर से मुफ्त में खाने की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से 17 जगहों पर सामुदायिक किचन चलाई जा रही है, जिसमें लोगों को 2 समय का निशुल्क भोजन दिया जा रहा है। वहीं पटना के गर्दनी बाग पटना हाई स्कूल में चल रहे समुदाय किचन का निरीक्षण करने के लिए पटना जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि प्रशासन गरीब बेसहारा लोगों की मदद के लिए समुदाय किचन चला रही है। तो
ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद था पूरी तरह से, किसी का आना जाना संभव नहीं हो पाता था, तो इसलिए हम लोग दे रहे थे। इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, बंद नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ गाड़ी रखे हैं और पैकेट बनवा करके विभिन्न केंद्रों से हम लोग भेज रहे हैं जगह जगह। यहाँ से भी पैकेट बनता है और प्रत्येक दिन जा रहा है, और जो लोग जरूरतमंद हैं उन लोगों को हम लोग बांट रहे हैं। दूसरा, हम लोग जो हम लोगों के बड़े सरकारी अस्पताल हैं 3-4, जो NMCH, PMCH और हमारा ESI बिहटा का है, इन जगह पर भी हम लोग जो अटेंडेंट हैं या अन्य लोग हैं जो इस प्रकार के, उनको भी हम लोग पैकेट्स बनवा के यहाँ से भेज रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। तो वहीं लोग लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है, तो वहीं लॉकडाउन की आड़ में कुछ पुलिस कर्मियों की मनमानी का मामला भी लगातार सामने आ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो बिहार शरीफ के सब्जी बाजार का सामने आया है, जिसमें पुलिस जबरन RJD नेता को अपनी बाइक पर बिठाकर थाने ले जाते दिखाई दे रही है। वहीं इस दौरान RJD नेता चिंटू यादव ने बताया कि हॉक दस्ता की टीम के द्वारा सुबह एक दुकानदार को पीटा जा रहा था, जिस पर उन्होंने जनप्रतिनिधि होने के नाते पुलिस कर्मियों से मारपीट का विरोध किया, और इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरदस्ती बाइक पर बिठा लिया और उन्हें थाने ले गई। सब्जी ले रहा है, समझे, खाली इतने पूछा कि मास्क नहीं है। हम मास्क नहीं है, ठीक है, आप फाइन मारते हमको, जब बेरामी लगे मारे लगे हमको, ऐसा चोना सोना चैन कहता सोना चैन लिखा था तुम रे माता चोर गाली पकड़ा तो हमको गुस्सा पड़ गया, हमने पूरा आदमी जानता है यहाँ पर। और अब खबर बांका से है, जहां शहर में एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन जिले में बारिश हुई थी, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया था, लेकिन सड़कों पर जलजमाव की वजह से गंदगी का आलम लगातार जारी है। आपको बता दें कि बांका नगर परिषद अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों जैसे विजयनगर, पंचमुखी चौक, शिवाजी चौक से अलीगंज जाने का मार्ग सहित अन्य जगहों पर नाले के पानी का बहाव सड़कों पर बारिश खत्म होने के घंटों बाद तक बहता रहा, जिससे नगर परिषद के काम की प्रणाली भी उजागर हो गई। वहीं नगर परिषद द्वारा सफाई के मदद में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद संबंधित पदाधिकारियों की उदासीनता से शहर की व्यवस्था का ऐसा गंदा हाल लगातार बना हुआ है। पानी का निकासी नहीं है तो जल जमा तो होगा ही। तो नगर परिषद क्या कर रहा है इसमें? नगर परिषद सोया हुआ है। कितने नंबर वार्ड का ये मामला है? वहाँ देखिए तो है 24 नंबर है, 26 नंबर, 25 नंबर है, सबका पानी वहीं आके जमा हो जाता है और निकलने का कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है, सभी का तो घर है, निकलेगा कहाँ, निकलना चाहिए रोड साइड में, वो भी नहीं निकल रहा। वहीं बक्सर जिले के अहिरोली थाना क्षेत्र से एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की हालत को देखकर आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार परिजनों ने घर से निकले युवक की खोज खबर नहीं मिलने पर खोजबीन शुरू की। इसी बीच उन्हें युवक के शव बरामद किए जाने की सूचना मिली। कार्रवाई के तहत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया है और इसके साथ ही आगे की पूरी कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। तो शादी भी चुका था और सब परिवार घर चले गए थे, वही बचा था एक, दो लड़का मेरे चाचा का लड़का था, वो लाइटिंग करने के लिए गए बाहर, एक खेत में चला गया, एक रास्ते में बैठा हुआ था, उसके बाद वो आया लाइटिंग होकर तो देखा तो वहाँ पे है ही नहीं, वो सोचा कि घर चला गया, वो फिर वापस घर चला गया। रात में हम लोग ढूंढने लगे, कॉल नहीं लगा था, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था,
तो सुबह चारों तरफ कॉल किए, इतने इतने सब रिश्तेदारों में कॉल किए तो कोई नहीं बोला कि यहाँ पर आया है, सब बोला कि यहाँ पर नहीं आया है। फिर हम लोग ढूंढने लगे, दोपहर हो गया, हम लोग ढूंढने लगे वहाँ पे, तो मुझवानी में देखे तो उससे पड़ा था। वहीं छपरा में 35 साल के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि युवक की हत्या नुकीले हथियार से की गई थी। वहीं मृतक की पहचान धोरी गोपाल धानुक टोला गांव निवासी गौतम महतो के रूप में हुई है। मामले में परिजनों ने बताया कि युवक शौच करने के लिए गांव के चवर की तरफ गया था, वहीं कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और शव को फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई में लगातार पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की ओर से मृतक की मां से पूछताछ में पुरानी जमीन विवाद और दो दिन पहले भूसा खरीद बिक्री विवाद का मामला सामने आया है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP News। नमस्कार।